झारखंड में हजारों राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ ने राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने दो सूत्री मांग रखी हैं। राजधानी रांची में हजारों की संख्या में सूबे के अलग अलग जिलों से आए पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी सेवा स्थायी करने और प्रोत्साहन राशि की जगह उचित मानदेय की वर्षों पुरानी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पहले प्रदर्शनकारी मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा हुए और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले परमानेंट करने का वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में भी वादा किया था, लेकिन सत्ता में एक साल पूरे होने के बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यही वजह है कि हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें पूरी नहीं की तो 25 दिसंबर से मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में बेमियादी हड़ताल किया जाएगा। रणनीति, अभी हमारे 5 सदस्यीय समिति गई है सरकार से वार्ता करने के लिए। उसके बाद जब वहां से वार्ता करके आएंगे उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेंगे तो इससे बृहद उग्र आंदोलन होगा। घोषणा पत्र में भी ये लिखे हुए हैं कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को मानदेय और स्थायीकरण करेंगे। ये चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र में लिखे हैं, लेकिन क्या उम्मीदें हैं? अब सरकार उम्मीद है सर, उम्मीद है, इसलिए उम्मीद पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। अब हेमंत सरकार से ये हमारी गुजारिश है, हमारा आग्रह है कि हम लोग को जो हमारी परिवार के सामने जो आर्थिक स्थिति जो भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है वो हम लोग एक उचित मानदेय दें और हमारी स्थायीकरण करें जिससे हम अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि उचित मानदेय और स्थायीकरण की मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए। सर, हमारी जो मांगे हैं वह प्रोत्साहन राशि को हटा करके एक सम्मानजनक उचित मानदेय की मांग है, और दूसरी मांग हमारी जो है वो सबसे बड़ी मांग है स्थायीकरण की। सर, हम लोग जितने भी पंचायत स्तरीय जो भी काम निकलता है, जो हम लोग को ऑर्डर दिया जाता है DC के द्वारा या BDO सर के द्वारा, उसे हम लोग पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से हर मापदंड में खरा उतरते हैं, और उसके बदले में हम लोगों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान था, पर हम लोग प्रोत्साहन राशि हटा करके एक उचित मानदेय की मांग कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन अपने पुराने वादे भूल गए हैं। अब देखना होगा कि इन प्रदर्शनकारियों से किए अपने वादे को हेमंत सरकार पूरी करती है या नहीं। पंजाब केसरी TV के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।